नमस्कार, मैं हूं प्रगति। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। एक तरफ पूरे देश में कोरोना काल को लेकर सरकार की गाइडलाइंस के तहत लोग घरों में बैठे हैं, तो वहीं जनता के घरों में बैठने का चोर खुलेआम फायदा उठाते नजर आ रहे हैं, जिसका एक नज़ारा जसपुर के ठाकुर द्वारा बस स्टैंड के समीप शमशान घाट की दुकानों में देखने को मिला, जहां चोरों ने जसपुर प्रशासन को चुनौती देते हुए एक ही दिन में चार दुकानों में कुंबल काटकर जसपुर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। प्रशासन के लाख कोशिशों के बाद भी शहरों में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। वहीं इस घटना पर जसपुर कोतवाल जगदीश देवपा का कहना है कि एक चोरी का मामला सामने आया है, जहां चोरों ने तीन दुकानों में चोरी की है, जिसमें अभी तक किसी की तहरीर नहीं मिली है। सीसीटीवी की फुटेज खंगाली जा रही है, जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। जसपुर से संवाददाता गुलाब सिंह राणा के साथ प्रदीप श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। मतलब मेरे ऑफिस के लगातार बल्ब खुल रहे हैं, तो मैंने गया मैं घर, मैं ऑफिस की चाबी लेकर आया तो देखा मेरे ऑफिस के पीछे से मेरी एसी गई हुई है, लैपटॉप है और उसमें कुछ अपने और सामान रखे थे औजार, और उसके बाद नगद इसमें था नहीं, लेके झूठ बोला। फिर मैं अपने छोटे भैया बुलाया, फिर चचेरे जो मेरे भैया मोनू, कि मैं लेकर आऊँ इसकी चाबी, तो देखा तो मेरे दुकान का भी कुंबल कटा पड़ा है। ये 15,000 तो मेरे फ़ोन के रखे थे, जो जिसकी बस की बात नहीं थी कोई उसे तोड़ ले, वो भी टूट गया। 1,500 रुपये मेरे गलने पड़े थे, बाकी जो मेरे साइलेंसर थे ओरिजिनल जो 1,000 से 1,500 रुपये के थे, 10 रुपये चोरी हो गए। बाकी और भी सामान है जो मैं सुनूँ मैं गिन के बता दूँ। तीन अब हुई हैं और इससे पिछले लॉकडाउन में 3-4 बार पहले भी हो चुकी है, जिसमें रामकिशोर की भी है, कुलदीप की भी है और ठाकुर साइकिल वाले की भी है। पहले भी दिया है पर हर बार वो कहते हैं भाई तुम अपनी दुकान में इतना सामान मत रखो। पीछे एक काम है, कह नहीं सकते कि पीछे सुलपैल भी पड़े जाते हैं, मतलब गांजा पीने वाले और सुबह पीने वाले। हाँ तो बस नॉर्मली हमारे पास अभी तक उनके कोई एप्लीकेशन आई नहीं है, वो आप अभी तक कार्रवाई करेंगे। हम लोगों ने जितने फुटेज हैं सीसीटीवी के वो ले रखे हैं और उसमें से पता चल जाएगा कौन कौन है, करके आरोपी जल्दी ही पकड़े जाएंगे।